नमस्कार, मेरा नाम अरविंद है। आज थोड़ा विशेष करके एक ज्योतिष के बारे में थोड़ा बात करेंगे। कम से कम 6-7 साल से यस पुदुड़ी मूर्ति करके एक ज्योतिष है, मतलब दक्षिण भारत में, जिन्होंने थोड़ा खोज करके अक्षय लग्न पतिथि के रूप में एक ज्योतिष का मॉडल बना के रखे हैं लोग। तो उसमें जब हम लोग जब स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो काफ़ी अलग लगा, क्योंकि हम हमेशा दशा भुक्ति के बारे में बात करते हैं। दशा भुक्ति मतलब चंद्र को मतलब बीच में रख के फिर उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा होगा बेस्ड ऑन दशा भुक्ति को देख के बोलते हैं। मतलब क्या, हम चंद्र को देख के बोलते हैं। पर इनका बट समय के साथ जाते जाते क्या हो रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, हम जल्दी जल्दी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। अभी काम देख लो आप, काम इतने सारे मतलब वेराइटीज ऑफ काम है कि हमको नहीं मालूम कौन सा काम चूज करना है करके। तो मुश्किल होता है दशा भुक्ति या सिर्फ चंद्र को रख के देखने, राशि को रख के देखने में। तो इसमें इनका आविष्कार क्या है कि लगन को ये हर 10 साल को एक पादा से दूसरा पादा में डालते हैं। अब एक पादा दूसरा पादा मतलब नक्षत्र, एक नक्षत्र का देखे तो 4 पादा होता है एक राशि में, 9 पादे होते हैं एक फुल राशि में, तो मतलब 2.5 नक्षत्र रहता है एक राशि में। तो एक राशि को तब हम लोग इसमें क्या था, अक्षय लग्न पतिथि में जो लगन है उसको भी हम लोग ले लेते हैं हिसाब में। तो इसको लेते समय हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल 1 महीना 10 दिन को ए लगन को एक पादा से दूसरे पादा में डाल देते हैं, मतलब उसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं अगले में। तो जैसे जैसे उम्र होते रहता है, जैसे हमारा शरीर बढ़ते जाता है, वैसे लगन को भी उसके साथ हम लोग बढ़ाते जाते हैं। जब इस पद्धति में जब हम लोग बढ़ाते जाते हैं, तो वहाँ वास्को लगन में, उस जगह को लगन में लगा के वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। अब पढ़ने से क्या होता है कि इतना साफ रीडिंग आता है, समझ में आता है कि ऐसे ही हो रहा है करके। इसमें 2 चीज लगता है, एक लगता है आपका लगन से मूव करके, अब इसलिए हम लोग अक्षय लग्न पतिथि, अक्षय मतलब जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लगन मतलब लगन मालूम है आपको, पद्धति मतलब एक मेथड है उसका, तो अक्षय लग्न पद्धति का नाम देके उन्होंने खुद का नाम नहीं लिखा, जैसे सब लोग अपना नाम लगा लेते हैं, पुदुड़ी मूर्ति सर ने अपना नाम नहीं रखा, उसको अक्षय लग्न पद्धति करके नाम दिया हुआ है, और वो खुलेआम सबको सिखा रहे हैं। अब मेरे को भी सिखाया, सबको भी सिखा रहे हैं। तो उसमें क्या, जब लगन से जब हम लोग देखते हैं तो काफ़ी रीडिंग साफ आता है, मतलब अभी शादी का मामला है देखना है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, दशा भुक्ति में देखते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, हम लोग लगन को लगा के देखते हैं, लगन को लगा के देख के 1, 4, 7, 10 इसमें कहीं पर अगर उसका जो नवांश आके लगा तो उसमें शादी होने का संभावना ज़्यादा रहता है। अब इसमें 2 से भी आएगा, ओके, 2-8 से भी शादी आएगा, बट उसका हिसाब अलग रहता है, मतलब रूल्स बहुत साफ हो रहा है। हम लोग को जनरली बहुत कन्फ्यूशन होता है, तो मतलब जब हम लोग पढ़ते रहते हैं जनरली अपना जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में जो पढ़ते हैं, इतने सारे रूल्स रहते हैं कि हमारा दिमाग फिर जाता हाफ द टाइम, हमको क्या होता, हमको नहीं मालूम होता क्या कैसे पढ़ रहे हैं करके। अब इस हिसाब से आपको क्या बोलते हैं, अगर आपका उम्र 20 साल हो गया तो 20 साल में लगन कहाँ पर है देखते हैं। अब उस हिसाब से हम लोग एक एक बाकी जो प्लैनेट्स जहाँ पर भी रहते हैं उसको देख रहे हैं। इसमें
पारंपरिक में जो भी रूल्स आता है, लाइक उच्च नीच, उसका जो दृष्टि लगता पूरा का पूरा इसमें भी लगता है, एक ही देंगे रूल्स काफी साफ लिखा हुआ है करके, ऐसा होने से ऐसा ही होगा करके, इसमें बर्थ टाइम करेक्शन का बहुत आसानी से हो जाता है। ओके, ऐसा हम लोग ने कपल ऑफ ऐसा किया है कि फेसबुक में ऑनलाइन किया है, वहाँ पर हम लोग का बर्थ टाइम हम लोग मैच करके दिए हैं, 2-3 महीने के बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड ले आके दिए, वो उसका रिकॉर्ड और हम लोग ने जो बोला वो रिकॉर्ड एकदम पक्का मैच हुआ, 1 मिनट का डिफरेंस आया था। ओके, 1 मिनट 2 मिनट का ही डिफरेंस आता था, मतलब इतना एक्यूरेट टाइम बर्थ टाइम का करेक्शन भी होता है उसमें। तो ऐसा रूल्स बहुत साफ साफ लिखा है इसमें, एक ही है कि ये पूरे के पूरे तमिल में है। ठीक है, अभी हम लोग का कोशिश है कि हिंदी में इंग्लिश में हम लोग थोड़ा बाहर ले आ गए, तो इस माध्यम से। सो आपको अगर इसके बारे में और कुछ जानना है, कुछ पढ़ना है इसके बारे में पढ़ना है, तो आप जो भी फ़ोन नंबर वेबसाइट का एड्रेस दिया ALPAstrology.com, उसमें जाएगा तो आप फ़ोन नंबर मिलेगा, वहाँ से संपर्क कीजिए, वो लोग बताएंगे कि अगर सीखने का कोई क्लास है तो सिखाएंगे क्या ना। बट हम लोग क्या करेंगे, जितना भी बनता है हम लोग यहाँ पर डालेंगे, बिट्स में डालेंगे, पर जितना भी हम लोग बिट्स में डालेंगे जो भी, पर उसमें तो पूरा समझने में मुश्किल होगा, तो इसलिए आपको अगर पढ़ना है तो साइट को रीच करिए, वहाँ पर काफ़ी टीचर्स हैं जो सिखाते हैं कि ऐसा है करके। इतना तो दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ज्योतिष के बारे में कुछ मालूम ही नहीं हुआ तो भी ठीक है, 15 दिन के बाद आप क्लास अटेंड करने के बाद आप एक हद तक, मतलब 80% तक आप अपना खुद का चार्ट रीड कर सकते हैं या और किसी का भी चार्ट भी रीड कर सकते हैं। जब क्लास होते रहता है तो उसमें हम लोग लाइव चार्ट रीड करते हैं, किसी का कोई स्टूडेंट का रहता है, जनरली खुद का ही रहता है या उसके बच्चे का रहता है, किसी का रहता है, तो वो चार्ट लेके पढ़ते हैं, तो उनको लाइव एक्सपीरियंस मिलता है पढ़ने का कि कैसा पढ़ते हैं करके। तो उस हिसाब से ये जो इन्वेंशन है ALPAstrology जो श्री पुरूरी मूर्ति ने बनाया है, तो उसका तो रिजल्ट्स लाजवाब है। अब मुझको ही देखिए, मैंने कितना पढ़ा है, पहले इतना दम से तो नहीं बोलता था एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि दशा भक्ति में उतना बराबर नहीं आता, 50% करेक्ट 50% रॉन्ग आता था, अभी वैसा नहीं है, अब जो भी बोलते हैं तो सही सही आता है। तो थोड़ा मुश्किल आंसर बहुत सिंपल है, रूल्स सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ, वो एकदम क्या बोलते हैं, बहुत दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता है, जिस देख के रूल्स फॉलो करने से ही आपको आंसर मिल जाता है उसमें। तो आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो वेबसाइट को रीच करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए हिंदी में, ताकि जब जब हम लोग ऐसा छोटा छोटा हिंदी में डालते हैं तो आप उसको पढ़ के और देख के आपको जो भी सीखने मिलता है आप सीख लीजिए। सो डालते रहेंगे आपसे, बेसिकली उनका मानना है कि हर घर में एक ज्योतिष होना चाहिए पुरूरी मूर्ति का, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा हम लोग को भी सिखाना पड़ेगा। सो हम लोग हैं एक 25 के ऊपर टीचर्स हैं जो सिखाने के लिए रेडी है, तो हम लोग जो भी टीच करते हैं वॉलंटरी बेसिस में टीच करते हैं, जो भी पैसा फीस घीस आता है वो इसके डेवलपमेंट में ही जाता है, हम लोग कोई उसको कोई भी टीचर्स उसको नहीं लेते हैं, तो फिर से इसमें ही जाता है क्या बोलने का, सोसाइटी को वापस जाता है, इस सब्जेक्ट को डेवलप करने में जाता है। और से हम लोग का हम लोग को सब देखो तो हम लोग सब पढ़े लिखे आदमी लोग हैं, सो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही मान रहे हैं इसको, हम लोग को लॉजिक आना चाहिए, हम लोग को वो उसका विषय क्या ठीक है ऐसा ऐसा होता है करके, एंड रिपीटेड रिजल्ट्स आना चाहिए, तो वो आने से हम लोग को विश्वास होता है, उस टाइप के आदमी लोग हैं, बिकॉज हम लोग को पढ़ाई लॉजिक में पढ़ाया गया वैसा है। तो अगर हम लोग ने भी उसको देखा, जब हम लोग ने उससे जब यूज़ किया, जब हम लोग ने कस्टमर्स को बोला, जब फ्रेंड्स को बोला, तो देखा तो एकदम बराबर आया रिजल्ट्स। अब ये कोशिश है कि हिंदी में जो भी, जिनको इंग्लिश नहीं आता है,
उनको तमिल नहीं आता तो हिंदी में उनको समझना है। तो आप देखिए, प्रोग्राम को देखिए, पता लगाइए कि कैसा कैसा देखा जाता है करके। तो बस इतना ही है, आप ट्राई करो, आपको जो सीखना, आप इतना गारंटी देता हूँ कि रीडिंग आप ही खुद कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, और आपका ज़िंदगी आप ही बदल सकते हो। क्योंकि आपको जब मालूम चलता था मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर मियाँ बीबी के बीच में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, किस कारण प्रॉब्लम हो रहा, आपको पता लग गया तो आप सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लेंगे, आपको कोई ज्योतिष नहीं चाहिए उसको ढूंढने के लिए। तो उसमें काफ़ी रेमेडीज भी मिलता है, तो सिंपल सिंपल रहता है रेमेडी, क्योंकि हमको प्रॉब्लम मालूम है तो सॉल्यूशन मालूम हो जाता है, तो उस टाइप का स्टडी है। तो बस इसके साथ मैं आपको, और वे आप देखते जाओ चैनल को, आपको और ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप लोग भी पढ़ सको। अगर आप डेडिकेटेड पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट में जाके पूछो, वो लोग बता देंगे आपको कैसे पढ़ना। सो धन्यवाद, नमस्कार, बाय।